नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। विभिन्न कलाएं हमारे जीवन को सींचती हैं, हमें सुकून के आनंद के पलों से हमारी जिंदगी गुलजार कर देते हैं, और इन्हीं कलाओं को समर्पित है हमारी आज की तेजस्विनी, जो लगभग 4-5 दशक से विभिन्न कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिन्होंने मयूरभंज छाव को रिवाइव किया है, पुनर्जीवित किया है। आपके विभिन्न प्रयासों को देखते हुए ही आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप राइटर हैं, डांसर हैं, फोटोग्राफर हैं, कला संयोजक हैं और श्रीराम भारतीय कला केंद्र की निदेशक हैं। हमारे आज की तेजस्विनी है शोभा दीपक सिंह। कला और कलाकारों को समर्पित जीवन जीने वाली शोभा दीपक सिंह को कला से संपूर्ण जीवन विरासत में मिला। उनकी माँ सुमित्रा चरण पंत ने आजादी के बाद कलाओं के विकास में अहम रोल अदा किया। गीत संगीत की धुनों, रंगमंच के रंगों और घुंघरुओं की ताल से सजे माहौल में सांस लेने वाली शोभा जी ने कला क्षेत्र के विभिन्न आयामों को करीब से जिया। मेडिकल कारणों से नृत्य की शिक्षा छोड़नी पड़ी, लेकिन संगीत साधना जारी रही। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, विश्वजीत रॉय चौधरी, उस्ताद अमजद अली खान जैसे दिग्गजों से कला के गुर सीखे। इब्राहिम अलकाजी जी से रंगमंच निर्देशन की कला सीखी। फोटोग्राफी का शौक था, सो विभिन्न कला माध्यमों की भाव भंगिमाओं और कला की खूबसूरती को कैमरे में कैद करती रही, जिन्हें 3 पुस्तकों डांसस्केप्स, म्यूजिकस्केप्स और थिएटरस्केप्स में प्रकाशित भी किया गया। पिछले 4 दशकों से खुद श्रीराम भारतीय कला केंद्र में महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के अहम चरित्रों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति का प्रदर्शन करती रही हैं, जिनमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग निर्देशन तक की कमान संभालती हैं। हर साल इनकी बहुप्रतीक्षित प्रोडक्शंस में शामिल हैं श्रीराम, श्री कृष्णा, श्री दुर्गा, कर्ण, मीरा इत्यादि। नृत्य नाटिकाओं में शास्त्रीय कलाओं के साथ लोक कलाओं का भी बखूबी प्रयोग करती हैं। मयूरभंज छाव नृत्य के पुनर्जीवन में इनका अहम योगदान रहा है। पुरातन वस्त्रों और आभूषणों से लोगों को वस्त्र शोभा जैसे प्रदर्शनी के माध्यम से रूबरू कराती है। लेखिका, सांस्कृतिक संयोजक, फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत बहुआयामी शख्सियत की मालिक, कला क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्रीराम भारती कला केंद्र की निदेशक शोभा दीपक सिंह है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात शोभा दीपक सिंह जी से। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने इतना काम किया है और देखें तो कह सकते हैं कि एक बहुआयामी शख्सियत की मालिक है आप, लेकिन इतना कुछ कैसे कर पाती हैं आप? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट जो इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ। मैं रात को बहुत देर में सोती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा मेरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे काम पर हो, और शायद 1-1.5 बजे तक भी रात को मैं काम करती हूँ। और फिर सुबह जब उठती हूँ तो 9:30 बजे, तो कोई मुझे पूछे आपको कितने फ़ोन कितने बजे फ़ोन करूँ, तो मैं कहती हूँ रात को 12 बजे से दिन में 12 बजे तक। अच्छा, लेकिन कोविड टाइम से बात शुरू करना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि कोविड का वक्त ऐसा वक्त रहा है जब मैंने देखा कलाएं भी थम सी गई, लेकिन आपने श्रीराम का मंचन 2020 में भी किया, जबकि आप खुद 77-78 साल की हैं आप, और कभी कोई डर नहीं लगा, कोई भय नहीं, कोई हिचक नहीं महसूस हुई आपको? मैं समझती हूँ जो डरा वो मारा। एंड उस समय भी मैंने एक दिन ऐसा नहीं था कि ऑफिस नहीं गई। मुझे वहाँ जाना इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। ओके। एंड जो लास्ट शो हमने किया था हमारे शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल का, वो उस दिन था जिस दिन लॉकआउट, अगले दिन लॉकआउट शुरू हो गया था। तो सब कह रहे थे मुझे करो ना करो ना, मैंने कहा करूँगी करूँगी। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, राइट। लेकिन कोविड कालखंड में अगर हम देखें, क्योंकि आपको तो इतना अनुभव रहा है, आर्ट और आर्टिस्ट को एक तरीके से समर्पित रहा है आपका जीवन, लेकिन कोविड कालखंड में
किस तरह की मुश्किलें रही आर्टिस्ट के सामने, आपने इसको भी करीब से देखा होगा। और ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आपने श्रीराम का मंचन किया वो भी कोविड की वजह से, क्या कुछ अलग तरीके से करना पड़ा आपको, क्योंकि आई थिंक वर्चुअली भी स्ट्रीमलाइन किया गया था पहली बार। पहली बार असल में हमने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया था, मालूम भी नहीं था कि इसके लिए एक भी दिन एक्चुअली लाइव शो होगा, तो रिकॉर्डिंग करके रख लिया। फिर जैसे पहले नवरात्र शुरू हुआ उसको यूट्यूब में रख दिया, फिर जैसे हमें परमिशन मिला शुरू कर दिया। 7 दिन का परमिशन मिला और बहुत अच्छा था हमारे लिए। और फिर इसके अलावा तो हर साल हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, वो भी किया। और अन्य हमारे नृत्य नाटिकाएँ हैं जिनको हम ऐसे चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, ये नहीं कि जो कहानी हो, पर कहानी के नीचे उसका हिडन टेक्स्ट है वो भी लोगों के पास पहुंचे। बिल्कुल, इनकी बात जरूर करूंगी क्योंकि बहुत भव्य होती हैं आपकी प्रोडक्शंस। लेकिन आपको क्या शुरू से ही रुझान था इन कलाओं के प्रति, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में, ऑनर्स में इनफैक्ट आपने पढ़ाई की थी? बिल्कुल, एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, जब हम लोग बच्चे थे तो हमें हमारी मदर हर शो में ले जाती थी, तो मेरे ख्याल से जो शो में ले जाती थी हमारे अंदर वो हम सो जाते थे। पर जैसे अभिमन्यु का था ना चक्रव्यूह का, तो अंदर जो था संगीत नृत्य सब हमारे अंदर पहुंच गया था। और जैसे अपना हमारा टाइम हुआ तो वो उभर के निकल के आया। तो इसका इट्स रियली, मुझे मैं कैसे बताऊँ कि मैंने शुरू किया कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए, फिर कमानी ऑडिटोरियम का, फिर ऐसे करते 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 पता नहीं आगे चले गए। बहुत आगे बढ़ गए आप। नहीं बहुत नहीं, थोड़ा मतलब ये भी एक जज्बा है कि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, अभी बाकी है। जी, लेकिन आपने जब रुझान आप में शुरू से ही था आपकी जिंदगी की वजह से, माहौल की वजह से, लेकिन आपने उसके बाद इसमें फॉर्मली भी अपने आप को ट्रेन किया, क्योंकि आपने अमजद अली खान साहब की बात करें या बिरजू महाराज की बात करें, ऐसे दिग्गज गुरुओं से आपने संगीत और नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। ये बताइए शोभा जी, वो दौर कैसा था और कैसे उस दौर ने आपके भीतर के कलाकार को पोषित किया? जब मैंने नृत्य 1952 में शुरू किया था भारतीय कला केंद्र में, और मैं और मेरी सिस्टर, और फिर उसके बाद मैंने सरोज शुरू किया। जब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप अब डांस नहीं कर सकती, तो मैं तो आई वॉज 40 देन, तो फिर मैंने सरोज सीखना शुरू किया विश्वजीत रॉय चौधरी से। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं सीख रही हूँ तो अमजद अली खान से क्यों नहीं, तो मैं वहाँ पहुँची। 25 साल पहले मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में कि अलकाजी साहब अपना कोर्स फिर शुरू कर रहे हैं। मैंने एक पल वेस्ट नहीं किया, उनको अप्लाई कर दिया। फिर मैं उसे ले गई इंटरव्यू के लिए, और फिर उन्होंने ऐसे इंटरव्यू पैनल में जोरा सहगल, मनोज सिंह जी, अलकाजी साहब सब थे, तो मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं सेलेक्ट होंगी, कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि कौन सा सबसे अच्छा कोरियोग्राफर है, तो उनसे मैं एग्री नहीं करती थी। अच्छा। पर मुझे 2-3 दिन में फ़ोन आया कि मैं सेलेक्ट हो गया। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 3 पुरुषों को अपना मेन समझती हूँ। एक तो मेरे फादर जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक मेरे हस्बैंड जिन्होंने कभी मुझे खींचा नहीं कि नहीं बहुत देर हो जाती है, एंड लास्ट मिस्टर अलकाजी ने जो मुझे कला को डीपर जो उसका मतलब है वो समझाया। आपने अलकाजी साहब की बात की और बताया कि कैसे आप थिएटर की तरफ आकर्षित थे, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में ये जानने के लिए था, क्योंकि अमूमन हम समझते हैं कि आपने युवावस्था में जिन कलाओं में ट्रेन कर लिया आपने आपको, वो आप जिंदगी में आगे लेकर उनको बढ़ जाते हैं, लेकिन आप 50 साल से ज्यादा उम्र की थी जब आपने सोचा कि मुझे थिएटर में डायरेक्शन में ट्रेनिंग लेनी है और अलकाजी साहब से लेनी है, तो ये आकर्षण कहाँ से आया कि मुझे थिएटर में जाना है और ये सीखना है? एक्चुअली मिस्टर अलकाजी ने जो हमारे यूथ में जो भी प्रोडक्शंस किए थे हम लोग सब देखने जाते थे, इतने बढ़िया थे। फिर मैंने जब एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को जाना है, और जो इंटरव्यू के बोर्ड में थे उन्होंने सोचा कि शोभा को हम मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिस्टर साहब की लड़की हैं इत्यादि इत्यादि, और शायद वो अपने आप ही गिर जाएंगे। पर मैं बिल्कुल एक पल नहीं पीछे हटी, क्योंकि आई थिंक मेरे कोर्स के 2 या 3 हफ्ते में मिस्टर अलकाजी ने कहा
कि शोभा जी मैं आपके कोच आपके जो बैलेज हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा। पर आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो नृत्य नाटक है उनकी जो सब टेक्स्ट है उसको भी निकाल के ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करिए। तब मैंने जो आजकल आप देखती हैं हमारी रामायण मीरा कृष्णा चक्रव्यूह सब इस बेस पे। अच्छा, ये गाइडेंस वहाँ से मिली उनको, है ना। हाँ, गांधी साहब तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल इंस्टीट्यूशन रहे हैं वो, और जिन लोगों ने उनसे सीखा है वो वाकई आज एक अहम कद है उनका। लेकिन शोभा जी, आप तो मयूरभंज छाव को भी आपने रिवाइव किया, उस इस नृत्य शैली से कैसे जुड़ी आप? करीब 25-30 साल पहले हमारे भारतीय कला केंद्र में गुरु कृष्णचंद्र नायक आए थे। वो थे अवार्डी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी फॉर मयूरभंज छाव। तो उनका एक हमारे बसंत पंचमी में हर साल प्रोग्राम होता है। तो वो जब प्रोग्राम कर रहे थे तो एक मूवमेंट होता है छाव का, मयूरभंज छाव का, जिसको बोलते हैं चमक। जैसे वो चमक कर रहे थे तो ऑडियंस हंस पड़ी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि चमक चमक भी अपने छोटे। अच्छा। ऐसे करना, उनको ये उनको ठंड लग रही है ऐसे कुछ उनको। तो मैंने समझ लिया कि ये छाव ऐसी कला है जिसमें कोई शब्द को पहचानने की कोशिश नहीं करनी, कुछ भी नहीं, वो आपके जो देख रहे हैं वही। अगर हिरन है तो हिरन दिखेगा, अगर मंकी है तो मंकी दिखेगा। तो मैं बस उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि नृत्य नाटिका के लिए मयूरभंज छाव सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर हर जैसे मैंने कोणार्क किया, कालिंग विजय किया, करण किया, सब मयूरभंज छाव के ऊपर। तो ये जो आप प्रोडक्शंस तैयार करती हैं, इतनी सारी मैथोलॉजी की स्टोरीज और करेक्टर्स को आप उठाती हैं, काफ़ी गहन अध्ययन भी करना होता होगा इसके लिए। बहुत, इनफैक्ट हमारे घर में रामधारी सिंह दिनकर रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने लिखी थी किताब रश्मि रथी। तो कई बार उसको जब रिसाइट करते थे तो मैं सोचती थी काश मैं इसको स्टेज में कर सकूँ। फिर मैंने, क्योंकि मेरी हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े हैं, तो मैंने रश्मि रथी किताब खरीदी, अपने हिंदी टीचर को दी, जो मुझे शब्द नहीं समझ में आते थे उनको आसान करके उन्हें मुझे वापस दी। अच्छा। फिर मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना के उसको प्रस्तुत कर सके। क्या बात है, यानी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं आप, और क्योंकि राइटर तो आप हैं, और राइटर से मेरे को ध्यान आ रहा है आपकी बुक्स का। आपने डांस, म्यूजिक, थिएटर, इन पर आपने बुक्स लिखी भी हैं, और जो तस्वीरें उसमें प्रस्तुत की हैं, खूबसूरत तस्वीरें। क्या है ऐसा खास इन कलाओं में जो आपको इतना आकर्षित करता है कि आप अपने कैमरे से उनको कैप्चर करती हैं और प्रस्तुत करती हैं? असल में डांस में मैं मोशन को कैप्चर करना चाहती हूँ। ये नहीं कि फेयर एंड लवली हो, या बस मैं भाग जाती थी कमानी के ग्रीन स्टेज में कि अगर किसी लड़की के बाल चमक रहे हैं कि मुझे वो बाल कैप्चर करने हैं, नॉट वो लड़की। ओके। एंड फिर मैंने दूसरी चीज़ है कि मैंने भारतीय कला केंद्र की सारी प्रोडक्शंस देखी थी। और जब वो एक प्रोफेशनल कैमरा पर्सन को बुलाते थे, जब तक वो कैमरामैन क्लिक करता था, जो इमोशन वो जो इम्पोर्टेंट था वो निकल ही गया था। राम राज्यभिषेक, राम धनेश तोड़े, उनको मालूम ही नहीं था, मुझे तो मालूम था। तो मैं पहले से उसको फोकस करके तैयार रखती थी, और जब आ गया बिल्कुल मेरी फोटोज बहुत। फिर मेरे को ये था कि ये बहुत फेयर एंड लवली है, पर आई वांट टू कैप्चर माय थिंग। तो जो किताब है डांस की, उसे मैंने वो किताब फोटो रखी है जिसमें मोशन है, डांस का मोशन, बालों का मोशन, डांस हस्तों का मोशन। और फिर जो म्यूजिक की जो है उसमें मैंने इमोशन को कैप्चर करने की, नवरस जो हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने। और अभी जो मेरी लास्ट बुक थी थिएटर स्क्रिप्ट, जिसमें मेन रघु राय आए थे रिलीज करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं देखता था शोभा राय, शोभा दीपक सिंह, मैं सोचता था इतनी छोटी लड़की कैसे क्या करेगी, और जब उसने किताब निकाली आई एम वेरी हैप्पी। तो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है वो पिक्चर्स जो आपने, एंड उसमें जो लोगों ने लिखा है, अलकाजी साहब ने, डेविड कैनली, ही लाइक ऑस्कर, तो मुझे एक इनकरेज करने वाले बहुत लोग थे। मेरे हस्बैंड ने हमेशा ऐसे कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा कैमरा लो, एंड मेरे फादर ने, जब मैं उनसे वो विदेश जाते थे तो मैं एक कागज़ के ऊपर लिख देती थी
पिताजी मुझे ये लेंस चाहिए। अच्छा, तो अगर उनको लगता था कि मेरे फोटोग्राफ वो कैप्चर करेंगे, हमेशा लाते थे। क्या बात है, यानी आपको हर तरफ से प्रोत्साहन मिला और आप इसीलिए इस कला को और आगे लेकर बढ़ सके, कह सकते हैं मतलब एक पैशन है आपके लिए फोटोग्राफी, जो आप सबको देखने को मिलता है। जी शोभा जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं जानी मानी फोटोग्राफर, राइटर, कला संयोजक और श्रीराम भारती कला केंद्र के निदेशक शोभा दीपक सिंह। शोभा जी, आपने जो भी अभी तक प्रोडक्शंस तैयार की हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत वैभवपूर्ण होती हैं वो प्रोडक्शंस। उनमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। आपको इतने सालों का अनुभव है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का, क्या खास होता है कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हुए, किन बातों का ख्याल करती हैं आप कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में? एक्चुअली क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट हूँ स्कूल से, तो हमेशा जब मिनिएचर पेंटिंग देखती थी, स्टैचू देखती थी, तो मैं कैप्चर करती थी उनको स्टेज में। और मैंने एक पेंटिंग देखी थी रवि वर्मा की, मैंने कोशिश करी कि इसको स्टेज में कैप्चर करा जाए, तो मैंने पूरे ऑर्नामेंट्स रवि वर्मा के कॉस्ट्यूम की तरह बनाए। तो अभी कुछ 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू था ऑन रवि वर्मा, उसमें कहा भी उन्होंने कि उनकी ये कॉस्ट्यूम रवि वर्मा के ऐसे थे। अच्छा। कि भारतीय कला केंद्र ने इसको ये, तो ये आप ये अभी भी अगर कोई मैं देखूँ अच्छी स्कल्पचर पेंटिंग, तो मेरे दिमाग में होता है कि इसको कैसे, और क्योंकि मेरे मोबाइल कैमरा में एक वो है फोटो खींचने का, तो अगर कैमरा नहीं भी हो तो मैं फोटो खींच लेती हूँ। आसान हो गया होगा ना तो आपके लिए कैमरा नहीं, आई स्टिल लाइक माय कैमरा बेटर, ओके मच बेटर, पर जैसे जरूरत हो तो मोबाइल इज वेरी कन्वीनियंट। जी लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तो एक बात है, लेकिन आप कॉस्ट्यूम्स की ही बात को आगे बढ़ाऊं तो आपके पास तो इतना ग्रैंड कलेक्शन है एंटीक टेक्सटाइल्स का, और आप प्रदर्शनियां भी लगाती रही हैं उनकी, वस्त्र शोभा, तो क्या कुछ खास है आपके इस खजाने में? एक्चुअली जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैंने उसके लिए साड़ियां बनवाई थी, उसके बाद जो मैं उनको सजा रही थी कॉस्ट्यूम रूम में, तो जो मेरे फटे फटे कॉस्ट्यूम से चुनिया जिसमें बहुत बुरी तरह से फटे हुए, उनको यूज़ किया डेकोरेशन के लिए। अच्छा, जब मैंने उनको, जब लोग आए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 99% लोगों को सिर्फ एंटीक टेक्सटाइल्स में होता है कि ले, उनको चाहिए थी, फिर मैंने उनसे बोला क्यों नहीं आपको, उन्होंने वो तो हर दुकान में मिल जाएंगे, ये जो तुमने लगाए वो कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एंटीक टेक्सटाइल्स की एक बहुत अच्छा मार्केट है। फिर मैंने कलेक्ट करना शुरू किया एंड 29 दिसंबर को मैंने पहली अपनी एग्जीबिशन करी। ये वाकई ये भी कहना पड़ेगा कि एक खजाना ही है जो अमूमन लोगों को देखने को भी नहीं मिलता है, जिसको आप प्रदर्शित भी करते हैं। मैं तो चाह रही हूँ कि कहीं मैं ऐसे जगह एग्जिबिट कर सकूँ जिसे सब लोग देख सकें। जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी चलिए, आपके प्रोडक्शंस की बात दोबारा करती हूँ, क्योंकि हर साल आपकी प्रोडक्शंस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा, करण, तमाम करेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप बनाती रही हैं। क्या ये एक चैलेंज होता है कि हर साल वही चीज प्रस्तुत करनी है, तो कुछ अलग ढंग से कुछ नया डाला जाए, या फिर तकनीक का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाए कि इस बार कुछ हटके हो, कभी ये चैलेंज भी महसूस होता है आपको साल दर साल? बिल्कुल, क्योंकि करीब 7-8 साल पहले जो हमारी रामलीला थी वो सिर्फ अवधि में थी और हिंदी बहुत कम था उसमें, पर उस जमाने में लोग अवधि समझते थे। और करीब 8-9 साल पहले मेरे को लगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भरत जाते हैं राम को वापस ले जाने के लिए, तो उनको मालूम ही नहीं था, बस ये मालूम था कि भरत जा रहे हैं। पर मैं चाह रही थी उनको, जो उन्हें 3 प्रपोजल
राम को रखे थे कि वो तीनों में से एक चूज करके हमको भी वो अंडरस्टैंड हो, पर जब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या फ़ायदा है। तो मैंने हिंदुस्तानी स्क्रिप्ट एक बनवाई जिसमें दो अच्छे कलाकार थे, राइटर्स, एक तो नीलाब आशिक थे और एक अरविंद कुमार जी। तो उन्होंने हिंदी में उसको बहुत जैसे हिरन सुनहरा लालच गहरा, ओके, ये किसी को यही मालूम है कि हिरन के पीछे गए, पर हिरन सुनहरा लालच गहरा बहुत कम लोगों को मालूम है। और वैसे ही जब राम अहिल्या का उद्धार करते हैं तो हमारे पास स्टेज के ऊपर मैंने रखा एक कोई सेइंग कि एक अहिल्या को राम ने अपने जेंटल टैक्स से पर उनको उसका उद्धार किया और किस वजह से वो ऐसे हो गए थे। यानी आपने एक्सप्लेन किया लोगों को दर्शकों को। आज पहले तो सिर्फ रामायण में करते थे, अब सब प्रोडक्शन में हम ये करते हैं। हमें लगता है कि कृष्ण में भी लोग जानना चाहते हैं, कर्ण वध क्यों हुआ, दुर्योधन वध क्यों, सबको आसानी से समझ में आ जाता है। जी, ये भी एक एफर्ट है आपकी तरफ से जो, लेकिन आपने, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्शन तैयार होती है, चाहे हम कोई डांस की कहें, ड्रामा की करें, बहुत प्रैक्टिस लगती है उसमें, पूरे ग्रुप को कई कई दिन, कई कई महीने जुटना पड़ता है, तब एक खूबसूरत प्रोडक्शन हमारे सामने आती है। तो जाहिर है कि आपको भी तो बहुत टाइम देना पड़ता होगा ना इस काम में। परिवार का सहयोग कैसा रहा इस मायने में? कई बार तो, क्योंकि हमारी एक ही बेटी है, तो मैं अपनी बेटी से कहती थी कि प्लीज आज के लिए तुम ये अनाउंसमेंट कर दो, क्योंकि मैं थक जाती थी कमाने के ऊपर नीचे सब बैठ बाय। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे वो नहीं कहा कि ये ऐसे क्यों कर रही हो। और मेरी मदर जिन्होंने ये इस इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया, जब सबसे पहले मेरा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट ऑन समथिंग न्यू, वो था चक्रव्यूह, जिसमें कौरव और पांडव को ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाया है, पर जहाँ पावर है तो दोनों शेड्स ऑफ ग्रे हैं। ओके, तो मम्मी तो बहुत पुराने ख्यालों में थी, तब जो उन्होंने देखा, शोभा तुम पता नहीं क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो इत्यादि। फिर मैंने कहा मम्मी नाम मेरा है, अच्छा हो बड़ो, पर उन्होंने इतना उनको अप्रिशिएट किया, सारे ऑडियंस ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और ये था रिजल्ट मिस्टर अलकाजी का, वो कहना कि सारे ये जो कौरव और पांडव ब्लैक एंड वाइट नहीं थे, जहाँ पावर है दोनों एक रंग में थे। तो ये हमेशा मेरे जहन में रह गई वो बात। और जो पढ़ती भी हूँ, जैसे मीरा अभी हमने बहुत पहले किया था, तो जब एक पुरानी मीरा हमारी है जो पुरानी गाथाओं में है, वह मेरे कमरे में मिस्टर कोमल कोठारी बैठे थे, कोमल कोठारी जी हैं, अब तो उनका ही डाइड, ही वॉज ए मेन पर्सन ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो मैं उनको कह रही थी कि मैं ये कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा शोभा आजकल तो मीरा की भी कहानी पूरी बदल गई है, वही गाना जो उनको नहीं रखना चाह रहे थे अब वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं। तो मैंने कई बहुत समय उनके साथ गुजारा, और फिर उन्होंने मुझे जो राजस्थानी ठेठ लिटरेचर है मीरा का, उनकी लैंग्वेज में वो मुझे दिया, मुझे दी मीरा की जन्म पत्री। अच्छा, कैसे मीरा के फादर दरगाह में गए थे, उन्हें मन्नत मांगी थी, और इसलिए जो मीरा है वो लिखा जाता है चंद्र बिंदु के साथ, और मीरा का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत चीजें, यानी कितने तरह की नई नई चीजें हैं जिनसे आप रूबरू होती रही हैं और दर्शकों को परोसती रही हैं। चलिए यहाँ पे आपसे छोटे छोटे कुछ सवाल पूछती हूँ, उनके जवाब आपसे लेते हैं। आपके जिंदगी का फलसफा? फेस, फिगर एंड मोटिवेशन। ग्रेट। आपके लिए कला क्या है? जीना और जीने देना। कोई ऐसा कलाकार जिसको आप सब लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा मानते हैं, क्योंकि लंबा अनुभव रहा है आपका कलाकारों के साथ? मैं एक तो इब्राहिम अलकाजी, रतन थियम बहुत फेमस हैं लोगों ने शायद, मैंने बिरजू महाराज, और मेरे जो तीन लोग हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति मेरी जिंदगी के, मेरे फादर, मदर, मेरे हस्बैंड। वेरी नाइस। कोई ऐसा व्यक्ति, आपने कई नाम तो गिनाए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति या कलाकार जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो? इब्राहिम अलकाजी। किस तरह की फिल्में पसंद है आपको? क्लासिकल ओल्ड पिक्चर्स। मैंने अभी जैसे कल या परसों देखी थी पुरानी देवदास। मतलब आपको पुराना स्टाइल ज्यादा पसंद है। तो संगीत में भी आपको इसी तरह के गीत पसंद है? जैसे मैंने करीब 30 साल पहले मैं जब डांस सीखती थी, फिर एकदम डॉक्टर ने बोला अब यू कांट डांस।
तो फिर मैंने सरोद सीखना शुरू किया विश्वजीत रॉय चौधरी से. फिर मैंने सोचा कि मुझे, लेकिन आपको कोई फेवरेट सॉन्ग है? मेरा सिविल है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, ये मुकेश ने अपनी बहन के घर में गाया था. अच्छा. उनकी बहन के हस्बैंड मेरे फादर की कंपनी में काम करते और फिर उन्होंने मेरे भाई की शादी में भी गाया. जिंदगी के बारे में एक बात जो आप बदलना चाहेंगे? मैंने जिंदगी को अपने टर्म्स में जिया है, मैं क्यों उसको बदलना चाहूँ? कोई ऐसी चीज नहीं हुई है मेरी जिंदगी में जिसने मुझे पीछे रोक लिया है. अच्छा. मैं हमेशा आगे चलता चाहती हूँ. बहुत बढ़िया. लेकिन चूंकि आपने इतने कलाकारों को देखा, इतना सालों का अनुभव है आपका, आज के युवा कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपने डोंट थिंक ऑफ द एंड, थिंक ऑफ द मीन्स दैट यू विल गेट गुड टुवर्ड्स द एंड. और आजकल मेरे ख्याल से जो यंग लोग हैं वो दे जस्ट वांट टू रीच द एंड विदाउट. मैंने भी जिंदगी में बहुत सफर तय किए हैं और आसान भी नहीं था. 50 साल वॉज नॉट ईजी बट इट वॉज ग्रेट फन. मैंने हर पल उसका इंजॉय किया है. ऐसे मैं सोचती हूँ कि मेरा जो ऑफिस है वो मेरा सेकंड बेबी है. हाउ नाइस. लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, अब जिंदगी में आगे क्या करना चाहती हैं आप? कोई लक्ष्य जो अभी हासिल करना बाकी है? बहुत 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 सारे. क्योंकि अचानक मैं कुछ पढ़ने पढ़ना शुरू करती हूँ और मैं सोचती हूँ अच्छा इसका एक बैले करना चाहिए. तो मैं एक मेरे बेड में किस्सा ने एक दो किताबें होती हैं जिसमें मैं लिख लेती हूँ इसकी पहले कि मैं भूल जाऊँ. फिर अब तो कोविड है तो हर आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. पर मेरे कलाकार भी बच्चों की तरह हैं बैठे हुए और मेरे हस्बैंड भी उनको ऐसे ही मानते हैं. मेरी बेटी भी, मेरी बेटी शी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ डांस म्यूजिक. मेरे हस्बैंड ने जैसे जब पहले फिरोजशाह कोटला में रामलीला होती थी तो रात में चढ़ चढ़ के सीढ़ी के ऊपर एग्जीक्यूट किया है स्टेज डिजाइन. अच्छा. तो उन्होंने बहुत साथ दिया उन्होंने आपका, है ना. और शायद इसी वजह से आज भी आप चाहती हैं कि बहुत कुछ हासिल करूं जिंदगी में, बहुत कुछ करूं. लेकिन शोभा जी उम्मीद करते हैं कि जो आप सोच रही हैं उसे आप संभव भी कर पाएं और यूं ही इसी तरीके से आप खूबसूरत प्रोडक्शंस दर्शकों के सामने परोसती रहें क्योंकि वाकई वो लाजवाब होती हैं. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. लेकिन आप अपने संदेश हमें ईमेल जरूर करते रहिए. हमारा ईमेल आईडी tejaswini.edu@gmail.com. तो लेते हैं इजाजत. नमस्कार.